हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी रोजगार चैनल में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज डिस्कस करने जा रहा हूँ दोस्तों साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो के साथ दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया तो जॉनसन ने किया था दोस्तों, सबसे पहले जीन शब्द का यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जीन अवस्थित होते हैं तो गुणसूत्र मतलब जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं दोस्तों उनके अंदर स्थित होते हैं दोस्तों जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया तो विट्टल व टेटम ने किया दोस्तों, एक जीन और एक एंजाइम का सिद्धांत का प्रतिपादन। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, खून का लाल रंग होता है दोस्तों किसके कारण होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन के कारण होता है दोस्तों खून का लाल रंग। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्तों तो लोहा तत्व पाया जाता है दोस्तों हीमोग्लोबिन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हीमोग्लोबिन यौगिक होता है दोस्तों तो हीमोग्लोबिन किसका यौगिक होता है दोस्तों, प्रोटीन का यौगिक होता है दोस्तों हीमोग्लोबिन। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो खून का जो थक्का है नहीं जमता है दोस्तों तो हीमोफीलिया जो रोग होता है उसके अंदर खून का थक्का नहीं जमता दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है दोस्तों तो हीपरेन नामक जो प्रोटीन होता है वो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हीपेरनी नामक जो प्रोटीन का जो उत्पादन होता है वो किसके द्वारा होता है तो यकृत के द्वारा होता है दोस्तों हीपेरनी नामक प्रोटीन का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रक्त का अध्ययन कहलाता है तो इसे हेमाटोलॉजी बोलते हैं दोस्तों रक्त के अध्ययन को दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक कीजिए दोस्तों और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों अंत में जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।